हेलो स्टूडेंट, आज के फ्लूइड मैकेनिक्स के इस लेक्चर में हम डिफरेंशियल यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर अपराइट यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमें जो जो चीज़ें गिवन हैं वो इस प्रकार हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ए डिफरेंशियल मैनोमीटर इज कनेक्टेड द टू पॉइंट ए एंड बी ऑफ टू पाइप्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द पाइप ए कंटेन्स ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 while pipe B contain a liquid of specific gravity 0.9, the pressure at A and B are 1 kg kilogram force per centimeter square and 1.80 kilogram force per centimeter square respectively. Find out the difference in mercury level in the differential manometer. ठीक है, मतलब कि एक differential manometer है जिसे दो गेज पॉइंटों से कनेक्ट किया गया है। A और B आपके दो गेज पॉइंट है जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। पाइप जो ए है उसमें जो फ्लूड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 है और जो पाइप बी में जो फ्लूड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.95 है। ठीक, अब प्रेशर ए और बी में जो प्रेशर है वो 1.80 किलोग्राम फोर्स आपको यहाँ पर ये गिवन है। ठीक, हमें क्या करना है, मरकरी लेवल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि जो लिक्विड है आपका जो मरकरी लेवल है वो कितना है, हमें ये सब चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो क्या क्या गिवन है, एक तो आपको हाइट ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूड ये तो आपको कैलकुलेट करनी है, एचएम की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, वी की जो हाइट है वो 2 मीटर है और ए की सेंटर ऑफ द पाइप से जो लिक्विड की हाइट है वो 3 मीटर है। ठीक है, ये सब चीजें हमारे लिए गिवन है। अब ये जो गेज पॉइंट वन है इसमें जो फ्लूड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है आपके पास 1.5 और जो गेज पॉइंट बी में जो फ्लूड है उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपका है 0.9। ये हमारे लिए चीजें गिवन है। ठीक है, और इसका जो प्रेशर है पी ए की वैल्यू ये कितना है 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका गिवन है 1.80 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब चीजें हमें गिवन है और यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हमें जो गिविन है वो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्लूड वन की यानी कि फ्लूड ए डेंसिटी, फ्लूड ए की डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करेंगे, हम स्पेसिफिक ग्रेविटी में 10^3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये इश्तिहार की क्या बन जाएगी, डेंसिटी बन जाएगी। रो वन आपके पास ही आ गया, रो एम आपको पता है मरकरी के लिए कितना होता है 13.6 × 10^3 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, और फ्लूड जो बी है, फ्लूड बी डेंसिटी वो आपकी कितनी है, रो टू 0.9 × 10^3 केजी पर मीटर। हमने यहाँ पे सभी जो डेंसिटी थी उनको क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा फ्लूड है उसकी कितनी डेंसिटी है, यहाँ पर हमने उसको फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रेशर है वो गिवन है किलोग्राम फोर्स में। ठीक है, हमें क्या चाहिए होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम तो प्रेशर की बात करेंगे जब भी फ्लूड मैकेनिक्स में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही बात करेंगे। तो यहां से उसको प्रेशर को हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या आता है, ये आपको दे रखा है 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 × 10^4 किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 किलो और आपका ये आ गया 1 किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स जो है, जैसे आपको ये यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ हमने उसको क्या बना लिया, मीटर बना लिया, तो यहाँ हमने उसको क्या बना लिया, मीटर बना लिया, तो उससे हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 किलोग्राम फोर्स किसके बराबर होता है, 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, ये आप नोट करिएगा कि जो 1 किलोग्राम फोर्स है
वो आपका 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। तो यहाँ का जनरली अब क्या होगा, अब तो पी है यहाँ से कितना आ जाएगा, प्रेशर एट ए गेज पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, 1 इंटू 10^4 इंटू 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास चीजें यहाँ पर आ चुकी हैं। ऐसे हम सिमिलरली क्या करेंगे, बी के लिए देख लेंगे। सिमिलरली हम बी की बात करते हैं, तो पीवी की हम बात करेंगे तो प्रेशर है वो आपका क्या है, 1.80 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम सिमिलरली हम इसको सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे, तो 1.80 किलोग्राम फोर्स इंटू 10^4 किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि आपका 1 किलोग्राम फोर्स जो हुआ है वो आपका 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से जो पी वी आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1.80 इंटू 9.81 इंटू 10^4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने पी ए और पी वी की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें ये चीज पता है कि प्रेशर एट द स्टैटिक कंडीशन में, अगर आपका क्या है कंडीशन क्या है, स्टैटिक है, तो इस पॉइंट पर लगने वाला जो प्रेशर है और इस पॉइंट पर लगने वाला जो प्रेशर है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी सेम होंगे। इस पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा होगा और इस पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा होगा उसकी वैल्यू आपकी सेम होगी। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, इसको लिखेंगे हम एट स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एट स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी स्थिर अवस्था में क्या होगा आपका, जो प्रेशर एट वन इज इक्वल टू प्रेशर एट टू। अगर यहां वन एंड टू ले लें हम, तो ये तो क्योंकि ये केस क्या है, यहां पर प्रेशर एट गेज पॉइंट वी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, इसमें जो गेज पॉइंट है, जो लिक्विड है उसका प्रेशर ज्यादा है, उसकी वजह से क्या हुआ, जो मरकरी का लेवल है वो आपका लेफ्ट लिम में इसमें ऊपर की तरफ राइज हो गया। ठीक है, इसकी तरफ ये क्या कहते हैं, राइज हो गया। तो यहां पर जो मरकरी की हाइट है वो एच एम है। तो अगर हम पहले बात करें पी वन निकालने की बात करते हैं, तो पी वन पर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो पी वन पर एक तो गेज प्रेशर ए की बात हो रही होगी, गेज प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, प्रेशर ड्यू टू, अब क्या है, प्रेशर ड्यू टू हाइट ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो यहां से जो है मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ऐसे लिख लेते हैं हम रो एम, अभी यहां पर ऐसे इस तरीके से लिखते हैं जी इंटू प्रेशर, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डेटम लाइन हम कौन सी कंसीडर कर रहे हैं, एक्स एक्स डेटम लाइन कंसीडर यहां पर हम कर रहे हैं। अब तो डेटम लाइन जब एक्स एक्स कंसीडर कर रहे हैं प्लस रो वन जी इंटू थ्री प्लस टू यानी कि एच वन प्लस एच टू, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ये H1 की वैल्यू है, ये आपकी H2 की वैल्यू, सही है। तो यहां से हम जब बात करते हैं तो गेज प्रेशर आपको पता है कितना है, 1 × 10^4 × 9.81 गेज प्रेशर है। डेंसिटी आपको पता है 13.6 × 10^3 × 9.81 × Hm की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, प्लस डेंसिटी आपको पता है 1.5 × 10^3 × 9.81 × 5, तो 3 प्लस 2 कितना हो गए, 5 हो गए। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, यानी P1 आ गया आपके पास, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर हमने इक्वेशन नंबर 1 में देखा, इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या देखा कि आपका जो मैनोमीटर है
इस मैनोमीटर में क्या है, इस वाले जो मैनोमीटर है इसमें ये जो गेज पॉइंट है, इस गेज पॉइंट में जो लिक्विड है उसका प्रेशर ए से ज्यादा है, ठीक है। उसके प्रेशर का ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ है, जो मरकरी का लेवल है, मरकरी का लेवल राइट लिम्ब से आपका क्या है लेफ्ट लिम्ब की तरह मूव कर गया, इसमें राइज ये हो गया। यहां पर इसके राइज होने की वजह से क्या होगा कि यहां पर हमें तीन मैनोमेट्रिक हाइट मिल रही है, एक तो आपकी क्या है HM है, एक इसकी हाइट है, ये भी इसके बराबर होगा, ठीक है। ये आपकी क्या है गेज पॉइंट A की हाइट है, ठीक है। तो अब यहां पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस पॉइंट पर लगने वाला प्रेशर और इस पॉइंट पर लगने वाला जो प्रेशर होगा वो इक्वल होंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। अगर आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो उस केस में जो प्रेशर एट द सेम लेवल उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो यहां पर और यहां पर प्रेशर सेम है, तो ये P1 जब निकालेंगे तो इसकी वजह से प्रेशर लिक्विड कॉलम में, इसकी वजह से प्रेशर फिर इसकी प्लस इसकी, और ये आपका ये गेज प्रेशर। तो यहाँ पर ये क्या होगा 3+2 ये 5 होगा, ये HM हो गए। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मिल चुकी है। अब बात करते हैं P2 की बात। P2 एक तो गेज प्रेशर B प्लस जो हाइट रो टू जी टू प्लस HM, ठीक है, टू प्लस HM, ये तो आज टोटल हाइट कितनी होगी, डेटम लाइन से टू प्लस HM, ठीक है। तो PV हमारे पास है, PV की वैल्यू है 1.80 इंटू 10^4 इंटू 9.81 प्लस डेंसिटी कितनी है आपकी 0.9 इंटू 10^3 इंटू 9.81 टू प्लस HM, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल रखने पर इक्वेशन 1 एंड 2 को हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हमें क्या रखना है, इक्वल रखना है। और हमें जो PA-PV की वैल्यू पता है, हम इसमें मैनोमेट्रिक जो हाइट है उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट यहां से कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं, तो यहां से जब वैल्यू पुट अप करेंगे हम, तो हमारे पास P1 कितना था आपके पास, एक तो यहाँ वैल्यू थी आपके पास 1 × 10^4 × 9.81 गेज प्रेशर 1 प्लस, फिर आपके पास क्या था, आपके पास था 13.6 × 10^3 × 9.81 × HM, एक तो आपके पास ये था, प्लस आपके पास था 1.5 × 10^3 × 9.81 × 5, एक तो ये था, ये बराबर था हमारे पास 1.80 × 10^4 × 9.81 प्लस 0.9 × 10^3 × 9.81 HM प्लस 2, ये हमारे पास दोनों इक्वेशन है, ठीक है। हमें क्या निकालना है HM, तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो HM की वैल्यू है, हाइट ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.181 मीटर। आप सॉल्व करके देख लेना, आपके पास जो HM की वैल्यू है वो ये आ जाएगी, ठीक है। ठीक, यहाँ से हमारे पास जो HM की वैल्यू आ गई 0.181 मीटर, ठीक। तो हमने यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इसमें कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना है, आपके पास HM की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो जो हमने ये जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में हमने देख लिया कि प्रेशर वी के ज़्यादा होने की वजह से आपका जो मरकरी है वो आपकी इस वाली लिम्ब जो है उसमें शिफ्ट हो गई, ठीक। यदि इस न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग किसी को डाउट है तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है, उसके हम वहीं पर उसको सॉल्व कर देंगे या इसके लिए फर्दर कोई लेक्चर बना लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।